सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पुणे में जो है बारिश और मानसून शुरू हो चुका है फाइनली। आज है संडे और आप लोग गैर देख के ये पहचान ही सकते हो कि आज अपन राइड के लिए निकल रहे हैं, संडे राइड के लिए। अभी कहाँ जा रहे हैं, किन लोगों के साथ जा रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग होने वाले हैं, ये आप लोगों को आज के वीडियो में पता चलेगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी अंबरजीत के लिए रुका हूँ मैं। अंबरजीत विल बी ज्वाइनिंग, गोवा का ऑलमोस्ट पूरा गैंग ज्वाइन करने वाला जो गोवा में आए थे हमारे साथ। और बस अभी बाइक जो है अपनी पूरी तरह तैयार हो चुकी है, मैंने टॉप बॉक्स वॉप बॉक्स लगा लिया है, एक टैंक बैग लेके जा रहा हूँ, हेलमेट, और ये अपन तो तैयार है ही है। तो मज़ा आने वाला है राइड में, बारिश है फुल तगड़ी और हम जिस साइड जाने वाले हैं उस साइड में हमको बहुत ही तगड़ी बारिश मिलने वाली है। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। बस चालू करते हैं आज की राइड, चालू करते हैं आज का दिन, चालू करते हैं आज का संडे। तो भैया, सुबह सुबह जब भी आप गाड़ी पहली बार निकालो तो अपना जो है कोल्ड स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग होते हैं कि बस कोल्ड स्टार्ट कुछ नहीं करते, डायरेक्ट सुबह उठते हैं, बाइक ऑन करते हैं और निकल जाते हैं। वेल, दैट इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू विद योर बाइक। आपका इंजन का जो लॉन्जिटिविटी है वो कम हो जाता है, तो कोल्ड स्टार्ट मारा करो एटलीस्ट फॉर 5 मिनट्स और फिर निकला करो। और यहाँ देखो, अंबरजीत इज योर, और फिर से गोवा की मेमोरीज चेरिश करने वाले हैं आज फिर से राइड। और राइड इस बाइक में थोड़े बहुत और चेंजेस हुए हैं। गाड़ी के बारे में मैंने एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, तो बस आपने नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो डेफिनेटली। चलो सीधा मिलते हैं गोप्रो के सेटअप पे। चलो भैया, अपन चलते हैं, बाइक पे बैठ गए हैं फाइनली और चलते हैं। टाइम हो रहा है 5:57 और अभी एक मीटअप पॉइंट पे हम लोग पहले मिलेंगे, उसके बाद कुछ राइडर्स जो है बॉम्बे से आ रहे हैं, फिर उनको उनसे मिलेंगे और फिर उसके बाद हमारा जो राइड है टूवर्ड्स वेस्टर्न घाट्स वो चालू होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मिलते हैं मीटअप पॉइंट पे। बिडू, आप जैसा कि देख सकते हो पूरा रास्ता जो है भैया पूरा गीला हो चुका है एकदम अपना कतई, और आज तो फुल ऑन एडवेंचर और बारिश में राइड होने वाली है अपनी, तो मज़ा आने वाला है। तो भैया लाइक ठोक दो यार, लाइक ठोकना जरूरी है, और सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दो, मजा आ जाएगा। चलो चलते हैं। तो भाई, इस पहला मीटअप पॉइंट जैसा कि आप देख सकते हो, हाय बोल रहे, एक नंबर, एक हिमालयन आज, और ओ माय गॉड, एक बार हेलो हो जाए ब्लॉग में। लेट्स, अभी हम लोग दूसरे मीटिंग पॉइंट पर जाने वाले हैं इससे बेसिकली, तो वहाँ जाके आप है ना। अब बॉम्बे से भी कुछ राइडर्स ज्वाइन करने वाले हैं, बेसिकली वो हमको तामिनी घाट में ही मिलेंगे सीधा, तो देखते हैं चलते हैं। तामिनी घाट जा रहे हैं जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बोल दिया है, तो मज़ा आने वाला है। तामिनी घाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट, मतलब मानसून में मज़ा आ जाता है बस तामिनी घाट चल के, तो चलते हैं। गाइज, हमारी राइड फाइनली चालू हो चुकी है। हम लोग मीटिंग पॉइंट के बाद, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, तामिनी घाट है, तो भैया तामिनी घाट के लिए हिंजेवाड़ी से एग्जिट होके पिरंगुट का रास्ता लेना पड़ता है, और मतलब डायरेक्टली घाट सेक्शन ही चालू हो जाता है पिरंगुट का। जैसा कि आप देख सकते हो पूरा घाट है भाई, और अभी यहाँ से पिरंगुट होते हुए फिर तामिनी चालू हो जाएगा, तो रास्ता अच्छा है मानसून के लिए जो है भैया। तामिनी घाट मतलब जो लोग पुणे से हैं वो लोग तो रिलेट कर सकते हैं, बट जो लोग बाहर से हैं, आए हैं पुणे कुछ घूमने, तो उनके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ है कि आप लोग मानसून के लिए कोई एक बहुत ही अच्छी जगह ढूंढ रहे हो तो बस तामिनी घाट है बेस्ट प्लेस टू विजिट इन मानसून। मतलब लोनावला वोनावला कुछ नहीं इसके सामने, मतलब दोनों साइड ग्रीनरी और मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा बेसिकली। तो बस अभी हो चुकी है जर्नी चालू, आप लोग थोड़े शॉर्ट्स वॉर्ट्स देखो, शॉर्ट्स का मजे लो। जब मैं पिछले साल आया था इधर
तब लिटरली जो है अपना जो रास्ता है ये बन रहा था, और अभी जब मैं आया हूँ तो रास्ता बहुत ही तगड़ा हो रखा है भाई। मतलब पूरा राइडर्स का फील है एकदम। आप कॉर्नरिंग वॉर्नरिंग कर सकते हो, वैसे तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बारिश है, फालतू का टायर वायर फिसल जाएगा तो गिर जाएगा कोई, भाई एक्सीडेंट कॉज होएगा। पर राइडर्स के लिए बहुत ही अच्छा रास्ता बन चुका है, मतलब एकदम टारमैक। जब मैं पिछले साल आया था ना तामिनी, तब मैं शूट नहीं किया था, बट तब रास्ते का लिटरली काम चल रहा था, और ये जो रास्ता है ना पूरा कच्चा पक्का रास्ता था, पर अभी एकदम डेवलप हुआ है एकदम सही तरीके से। और सामने अगर आप देख सकते हो ये पूरा वेस्टर्न घाट्स है, क्लासिक व्यू है भाई, मज़ा ही आ रहा है राइड करने में। जो फील है वो अल्टीमेट, बारिश हो रही है हल्की हल्की और मतलब बहुत ही तगड़ा। हम लोग ये होटल में रुके थे पिछली बार, जिसका नाम होटल ग्रीन हिल है शायद। ये पूरा घाट सेक्शन मतलब यहाँ से ही चालू होता है, हम लोग इधर ही रुके थे लास्ट टाइम पे, हमने मिसल खाया था। आज ये बंद लग रहा है बट हम लोग यहाँ रुके थे। लिटरली यार बहुत मतलब मेमोरीज है भाई, लिटरली बहुत सारी मेमोरीज है। आज सोचा कि आप लोगों के लिए व्लॉग कर दूँ, मानसून व्लॉग भी हो जाएगा, मानसून राइड कर ही रहा हूँ, और आप लोगों के लिए एक होता है ना कि एक इंफॉर्मेशन भी हो जाएगा कि बस आप बारिश में कहाँ आ सकते हो। तो भैया सीन ऐसा है कि रास्ते के बीच में रुक के कतई रेनकोट पहना जा रहा है, बारिश बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से हो गई है, मैं दिख भी रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से है, मौसम बहुत ही तगड़ा है और फील है बिल्कुल। अभी मतलब एक राइडर है हमारे साथ, बाकी सब आगे निकल गए, चाय के लिए रुकेंगे क्योंकि चाय की तलब मच रही है, मिलते हैं आगे। Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. फाइनली स्टार्टेड। अभी यहाँ हम लोग चाय पीने के लिए रुक रखे हैं भैया, यहाँ सब लोग, मैं तो शॉर्ट्स ले रहा था, आई होप आप लोगों को शॉर्ट्स पसंद आए होंगे डेफिनेटली, और यहाँ सब लोग चाय पानी के लिए रुक रखे हैं। तो गाइस चाय की चुस्की, अच्छा सॉरी कॉफी की चुस्की इन द मिडल ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। आप पीछे देख सकते हो क्या वादियाँ हैं, क्या लोकेशन पे चाय हो रही है, और ये है भैया लाइन अप। Oh, hello, 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 Goa guy, hello, Goa guy. Yeah, tell me. Oh, okay. कैसे हो भाई लोग? तो अभी हम आपको दिखाते हैं एक खूबसूरत सा नजारा। नजारा देखा? Already दिखा दिया था। Already दिखा दिया? अच्छा अच्छा। तो इतना smart है आदि। Mama must be so proud of you. Guys, literally Goa में जो feel थे वही feel है अभी भी। अभी यहाँ से हमारा जो डेस्टिनेशन है अराउंड बोल सकते हैं अराउंड और 15 या 20 किलोमीटर होगा। वहाँ हमको बॉम्बे के राइडर, जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह बोला था, वहाँ बॉम्बे के राइडर्स मिलने वाले हैं, 25 से 26 राइडर हैं। मैं तो बस सोच रहा हूँ ये घाट सेक्शन पे साले इतने राइडर चलाएंगे, मतलब चलेंगे कि चलाएंगे वो पता नहीं है। ब्लॉग में बने रहिएगा, हम पीते हैं कॉफ़ी और आप लोगों को जला रहे हैं, ठीक है? लाइक करना, डिसलाइक नहीं, ठीक है? गाइस चाय वाय डन हो चुका है और अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द पॉइंट दैट इज द कुंडलिका वैली, जिसको इंडिपेंडेंस पॉइंट भी बोलते हैं। कि वहाँ से आपको जब मैं नज़ारा दिखाऊंगा ना, कतई खाई होने वाला है वो। मतलब पिछले साल गया था तब ग्रीनरी नहीं थी इतनी, सब ड्राई था, बट अब जब जाऊँगा तो मेरे को आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ ग्रीनरी देन लास्ट टाइम। तो यहाँ रास्ता बहुत ही अच्छा है, प्रॉपर टारमैक रास्ता है, तो कोई टेंशन नहीं है। बस इधर एक्सीडेंट बहुत होते हैं, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है ये बहुत ज़्यादा ही।
सुपर। अभी सारे बाइक्स एक लाइन में चल रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही सही फील आ रहा है। चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ से यहाँ बोर्ड आएगा, अच्छा खासा बोर्ड आएगा, अंदर बन द डार्क फॉरेस्ट, यहाँ से राइट लेना है कतई, और फिर आपका जो है वो कुंडलिका वैली, बेसिकली जो इंडिपेंडेंस पॉइंट है उसका रास्ता चालू हो जाता है। यहाँ से अच्छा खासा ऑफ रोड मिलेगा आपको, कच्चा पक्का रास्ता अगेन, बट बीच में रास्ता अच्छा हो गया था। यहाँ से आपको पूरा अपहिल है, स्टीप है थोड़ा पर अपहिल है, और मस्त है, जो भी है मस्त है। मतलब मेरे लिए, मेरे को तो ये वर्थ ही लगता है हमेशा आते होते इधर। रास्ता वस्ता ठीक है पर सही में इट्स रियली वेरी, मतलब मज़ा आ जाता है मेरे को चलाने में। ये पूरा कच्चा पक्का रास्ता है एकदम, मतलब पतला रास्ता है। और पूरा फॉगी है, सबसे बड़ी बात जो है ना, क्लासी दिखता है भाई एकदम। सामने देखो आप, मतलब आपको अगर आपने इधर लाइट्स नहीं है आपकी गाड़ी पर तो आप दिखो ही नहीं, पर एकदम फॉगी है भाई, एकदम क्लास। लुक एट द फॉग यार, क्या खूबसूरत लग रहा है। ये होता है बॉस राइडर होने का फायदा और बाइक चलाने का फायदा, आपको ऐसे रास्ते मिलते हैं। ओ माय गॉड दिस इज ब्यूटीफुल। और गाइज यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ टू व्हीलर आती है, फोर व्हीलर भी आ सकती है, पूरा एडवेंचर वाला रास्ता है कतई, तो मतलब फील आ जाएगा आप लोगों को। पूरा ऑफ रोड है, रोड नहीं है इधर, बिल्कुल ही नहीं है, आपको मेरे जर्क्स से समझ रहा होगा। बारिश हो रही है धीमी धीमी सी, मूड बन रहा है हल्का हल्का सा, बस मैं शायर तो नहीं हूँ पर मुझे इतना ही आता है, इतना ही राइम कर पाए अपन। पर क्या खूबसूरत है यार, मेरे को फील ही आ गया, क्या फील है यार। गाइस थोड़ा रोड से हट के हमको थोड़ा सा इधर आना पड़ता है, और अगर आपको पॉइंट के पूरे मज़े लेने हैं तो आप कतई यहाँ आ सकते हो और देख सकते हो। वहाँ गाड़ियाँ लगाएंगे अपन अपनी लाइनअप, और आपको पॉइंट दिखाता हूँ भाई, अभी बस पॉइंट दिख मिलता हूँ सीधा पॉइंट पे गाइस। और ये पॉइंट था बेसिकली, और एकदम तगड़ी वाली बारिश आ रही है। ये हमारा लाइनअप है खूबसूरत सा, ये कुछ यहाँ के नज़ारे हैं, और बहुत ही ज़्यादा बारिश, शोर की बारिश। अब तो मैं नीचे लेके चलता हूँ। एक्चुअली अगर आप देख पाओ वो बंदा बैठा है ना जहाँ, वो असली पॉइंट है। जब मैं पिछले साल यहाँ आया था तब का भी फोटो मैं आपको यहाँ आ रहा है, देखो ये मेरे पिछले साल का फोटो है, और यहाँ लिटरली अभी कुछ नहीं दिख रहा है बेसिकली। और भाई ये अपना वेस्टर्न घाट्स, महाराष्ट्र भी कुछ कम नहीं है भाई, लद्दाख वद्दाख जो जा रहे हैं ना जाओ, पर यहाँ भी आओ, ये भी कुछ ऐसा नहीं कि बुरा है, बहुत ही अच्छा है ये भी। कैमरा पे पानी जम रहा है, बट एनीवेज बहुत ही सेक्सी सा नज़ारा, कुछ दिख नहीं रहा है सबसे बड़ी बात। हमारी बाइक्स यहाँ लग चुकी है बहुत ही अच्छी तरीके से, और बारिश कतई जोर की, थोड़ा भीगते हैं आप लोग, टाइम लगता है।
तो ये है भैया अपना कुंडलिका वैली, ये पॉइंट एक्चुअली यहाँ रिस्की है थोड़ा सा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, जाऊंगा फोटो के लिए, पर अभी बहुत आप जैसे कि देख सकते हो बहुत ज्यादा ही भीड़ है इधर, ऐसे लगता है कुंडलिका वैली बारिश में आना फील आ जाएगा। नेक्स्ट अपन देवकुंड वाटरफॉल एक्सप्लोर करने वाले हैं मोस्टली अगले ब्लॉग या उसके अगले ब्लॉग में, बट हाँ ये कुछ बहुत ही सही फील है यार, बहुत ही सही फील, लिटरली लाइक इट्स सो सेरीन, सो ब्यूटीफुल एंड आई जस्ट लव इट यार। मतलब आओ तो फैमिली के साथ आना भाई, मतलब बहुत ही खूबसूरत ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिल जाएंगे आपको वहाँ और पूरा ग्रीन एंड सेरीन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है गाइस, थोड़ा आराम से आना और शूज में ग्रिप होना बहुत जरूरी है, थोड़ा आराम से आना। आप देख सकते हो ये बादल धीरे धीरे जा रहे हैं इस तरफ, थोड़ा खुलता जा रहा है उस पहाड़ वहाड़ जो है दिखना चालू हो जाएंगे, आप देख सकते हो खुद क्या लग रहा है भाई, फील आ गया स्लो मोशन में, देखो वीडियो में चल दिख रहा होगा आपको पहाड़, ये जो बादल हिल रहे हैं कतई क्लास फील है। भैया हो गया है कुंडलिका वैली, अब अपन जाते हैं वापस बाइक्स पे, अपनी बाइक्स अपन ने एक्चुअली ऊपर अपने जितने साथी थे उनके लिए छोड़ रखी थी संभालने के लिए, अभी अपने वाटरफॉल्स को चूसते हुए उनको वहाँ जाना, वहाँ दिखा दो एक बार, और इस पर जाना है हमको, वहाँ हमारी बाइक्स हैं और अब ये पानी में से ही चल के जाना पड़ेगा, तो चल सीधा ऊपर मिलता हूँ। इतनी सारी बाइकें आ गई थी हमारे बॉम्बे की लोग और बस अभी हमारा प्लान ये है कि निकलते हैं यहाँ से एंड वी विल बी हेडिंग टाउन, मिलते हैं गोप्रो पे। गाइस वापस से हम लोग जो है बाइक पे बैठ गए हैं और ये ऑफ रोड का जो है अपना जूझते हुए वी आर हेडिंग बैक, जैसे आए थे वैसे ही वापस जा रहे हैं। तो अभी सीन ऐसा है कि भूख बहुत लग रही है, ऑलमोस्ट 12:30 हो गया है, 12:25 टाइम बता रहा है क्लॉक पे, तो अभी हमको पहुँचते पहुँचते एक घंटा लग जाएगा, भूख बहुत लगी है, देखते हैं खाने का क्या बंदोबस्त है, क्योंकि मतलब सुबह से सिर्फ एक मैंने तो सिर्फ एक कॉफ़ी पी है और सब लोग ने शायद हाँ सब लोग ने कॉफ़ी ही पी है, शायद कॉफ़ी और चाय ही हुआ है, तो अभी तक इतना कुछ पता नहीं है कि यहाँ रुकने वाले हैं क्या नहीं रुकने वाले हैं, बट हाँ बोल के रखा हुआ है कि खाने के लिए रुकना है। गाइस कहते इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है ना, अभी फील हो रही है कि नहीं, क्योंकि मैं पूरा देखो कंटिन्यूसली हो रही है एकदम, अभी फिर से ये लोग रेनकोट पहनने रुके हैं, पर बहुत ही ज़ोर से बारिश हो रही है, बहुत ही तगड़ा मौसम है।